टीवी एक्टर भूपेंद्र सिंह सीरियल्स में विलन का किरदार निभाते हैं, लेकिन इस बार वो असल लाइफ में भी विलन बन गए और उन्होंने सारी हदें पार करते हुए एक शख्स की जान ले ली। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनको इस कदम को उठाना पड़ गया, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। पॉपुलर टीवी एक्टर भूपेंद्र सिंह को एक युवक की जान लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। भूपेंद्र सिंह ने बिजनौर में एक युवक की गोली मारकर जान ले ली है। बताया जाता है कि पेड़ काटने को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था। इस दौरान भूपेंद्र सिंह ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों को गोली लग गई। इसमें एक युवक का निधन हो गया जबकि बाकी घायल हो गए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और आरोपी एक्टर भूपेंद्र सिंह के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा मरने वाले परिवार के चाचा ने भूपेंद्र सिंह समेत चार लोगों के खिलाफ FIR भी लिखवा दी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भूपेंद्र सिंह 19 नवंबर को ही मुंबई से अपने गांव आए थे। वो कई टीवी सीरियलों का हिस्सा रह चुके हैं, जिनमें मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, काला टीका, एक हसीना और कार्तिक पूर्णिमा जैसे नाम शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह का पैतृक गांव बिजनौर के बाड़ापुर थाना क्षेत्र का कुआखेड़ा गाँव है। ये वारदात भी यही हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भूपेंद्र सिंह के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं जबकि पत्नी जयपुर में रहती हैं और वो खुद मुंबई में एक्टर हैं। वहीं परिवार के बाकी लोग गांव में हैं। 15 दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह गांव पहुंचा। इस दौरान खेत की मेड़ पर लगे एक पेड़ को लेकर भूपेंद्र गांव के ही युवक गुरदीप से झगड़ा हो गया। दोनों ही उस पेड़ को अपना बता रहे थे। बात बढ़ती गई और नौबत गोली तक चलाने पर आ गई। पहले तो भूपेंद्र सिंह और गुरदीप के बीच मारपीट हुई और फिर भूपेंद्र ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गुरदीप के 23 साल के बेटे गोविंद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा आपको बता दें, भूपेंद्र ने 1996 में हिंदी फिल्म ये प्यार न होगा कम एक हसीना थी, 1998 में श्याम घनश्याम में काम किया, 1999 में तेलुगु फिल्म थमड्डू, 2000 में अन्ना, 2001 में देवी पड्डू और भाल देवी बासु, 2001 में ही तमिल फिल्म बद्री और 2002 में तमिल फिल्म विलियन और 2003 में ही तेलुगु फिल्म विलियन और 2003 में तमिल फिल्म दीवान, 2004 में तेलुगु फिल्म अंजी जैसी फिल्मों में काम किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।